यूं तो रेलवे स्टेशन ट्रेन के रुकने का स्थान होता है, जहां से यात्री अपने गंतव्य के लिए जाता और आता रहता है। लेकिन यूपी के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन की बात ही कुछ और है। यहां यात्रियों के साथ मैले कुचैले कपड़ों में बच्चे भी मिल जाएंगे। इन बच्चों के लिए यह स्टेशन गाड़ी रुकने का स्थान नहीं, बल्कि बच्चों का ड्रग स्टेशन है। आप इसे बच्चों का ड्रग सेंटर भी कह सकते हैं। यह वायरल वीडियो इस बात का प्रमाण है। इस वीडियो में बच्चों को नशा करते दिखाया गया है। इस ट्यूब पर नजर दौड़ाइए। इस ट्यूब में नशे का पेस्ट भरा है, जिसका बंटवारा चल रहा है। इस पेस्ट को सूंघ कर ये बच्चे मदमस्त होते हैं और नशे में झूम उठते हैं और धीरे धीरे मौत के करीब चले जाते हैं। जिस उम्र में बच्चों को स्कूल चलो अभियान का हिस्सा होना चाहिए, पीठ पर स्कूल बैग और हाथों में कलम होनी चाहिए, आज उनके हाथों में पंचर साटने वाला ट्यूब है, जिसके पेस्ट की गंध लेकर बच्चे मदमस्त हो रहे हैं, झूम रहे हैं। वैसे तो रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस मौजूद होती है, शायद उनको भी इस बात की भनक नहीं। ऐसे में सवाल यह है कि इन बच्चों पर निगरानी कौन करे और इनको इस धीमी मौत से कौन उबारे। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ मार्केटिंग।